खाने भी बच्चे भाता भाते खा रहे हो बच्चे भाई। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस न्यू वीडियो में, मतलब न्यू ब्लॉग में। तो जो भी नए आएंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। तो गाइज, आज के ब्लॉग की शुरुआत जो सुबह ही हो रही है, तो आप सभी को पता होगा कि पिछला ब्लॉग देखा होगा आप सभी ने कि मेरा भाई आया हुआ है छुट्टी। तो गाइज, हमारे पापा तो बहुत ज़्यादा खुश हैं और हमारी फैमिली भी, तो मंद मंद मुस्कुराते हैं बाबा। तो गाइज, अभी जो है ना सुबह सुबह क्या बन गया, हमारी चाय वगैरह सब हो गई है। तो गाइज देखिए, हम अभी किचन में हैं और किचन से स्टार्टिंग हो रही है आज के ब्लॉग की। इसमें आ रही सीधी, ये है चावल और ये है दाल बन गई है। तो किचन देखो गाइज, ऐसा ऐसा हुआ है तो इसको करेंगे बाद में साफ सुथरा। और भाबो कर रही है जल्दी जल्दी काम, कहाँ जा रहे हो? हंस रहे हैं, हम बाद में बताएंगे गाइज कहाँ जा रहे हैं वो। तो जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं वो, निपटा रहे हैं। तो अभी चलते हैं हम बाहर। तो अभी बाहर जो है ना, अंशु चिल्ला रही है। अंशु हाय कर दो, मम्मा हाय कर दो, शरारती। तो गाइज अभी हम बाहर आ गए और बाहर बहुत तेज धूप लगी हुई है। ये देखो गाइज, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगी हुई है। तो सुबह सुबह ही पंखा ऑन करके रख दिया है। और गाइज कल जो है ना शाम को इतने ज़्यादा कपड़े धोए, भाई के कपड़े वगैरह भी धोए बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हुए थे। और अभी चल रहा है उसका ब्रश, तो ब्रश चल के उसकी गाड़ी वीड़ी साफ की उसने अच्छे से। तो पंकू मुझे बोल लेना था बुद्धि दीपैन ना। तो गाइज आओ देखिए इस तरफ का मौसम है। बंकू पैन ना बाबू बना वाला बाबू आए सब ने बनाए रहा। मीठी मीठी पप्पी, कोई नाम अनुमा नहीं है। अभी आपके पीछे पीछे आएंगे हम, हमारे कमरे में फोटो है उसकी। गाइस मामू, मामू का कमरा अभी तक सफाई नहीं हुई है मामू की। यस, मामू अभी उठे गाइस, अभी उठा मेरा भाई और मैं भी बस थोड़ी देर पहले उठी। मैं पहले उठ गई थी 5 बजे, तब कोई नहीं उठा था सच्ची में। अंशु बाहर सोई थी ना। हाँ क्या, दुपट्टा इस कमरे में था, देखो देखो, और मुझे कल दिया है ने तुम्हारी, यही दिखाओ ना सूट, बड़े सुंदर सोना सोना सूट है। इसका घगरा नहीं पहना, क्यों नहीं डाला? गाइस तो भाभी हो रहे हैं तैयार। तो गाइस अभी ना मैं बता ही देती हूँ आप सभी को कि पहले मेकअप करने देते हैं। मेकअप करो, मेकअप तो करना पहले में तेल लगाना था, तेल थोड़ी ई देख रही है, देख रही है, देख रही है। अब चलिया तेला तेला मामी और बच्चा है, कहूंगी तेला तेला आप पुदे ना बोले चाहतेलर तो चाहो ना। हाँ बाल दे, मेरे बच्चा ठगी था पनवा रोटी में। इतनी मम्मी जी पर बन रही नहीं। हाँ सुनो, गाइस अब हमने खुद खुद तैयार हो रहे हैं, और जैसे भैया बाबू भी हो रहे हैं तैयार और पापा भी जा रहे हैं ड्यूटी। तो गाइस अभी मेरा नंबर लग गया हम किचन में। तो गाइस हम ना कुकर की स्टीम अब तक ठंडी नहीं हुई है, पापा को जाना है ड्यूटी, तो पप्पा को लगाएंगे हम चावल की थाली, भात की,
तो गाइज भैया भाभी जा रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि शादी के मतलब बहुत दिनों के बाद जो है भाई छुट्टी आया है घर में, और फिर जो है घूमने के लिए जा रहे हैं कहीं। तो अभी मुझे भी नहीं पता है, मतलब ऐसा दूर दूर का पता कहाँ जा रहे हैं ऐसा एकदम एक्यूरेट पता नहीं है। जब पता लगेगा पूछूंगी मैं थोड़ी देर के बाद, तो आपके साथ जरूर बताऊंगी मैं कि कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए कमीने। तो गाइस अंशु को लग रहा है कि मुझे भी लेके जा रहे हैं। अंशु आगे 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 रनिंग कर रही है, उनके भी मेकअप करना, कंघी करना, तेल देना, वाह वाह, मामी के पीछे पीछे। तो गाइस भाई ना बहुत मतलब फरवरी में शादी हुई थी, तो बहुत दिनों के बाद आए हैं, और मेरे भौजी साहब तो अभी तक आए नहीं है, पता नहीं कब आएंगे। जब आएंगे तब हम घर के लिए जाएंगे, तो वही हमारी लॉन्ग जर्नी हो जाती है गाइस, क्योंकि जिसने हिमाचल से मतलब पुणे मुंबई जाते ही रहते हैं, हिमाचल के बहुत सारे मिलते हैं मुझे उधर है, तो उनको पता होगा मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे तो कितने दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं ना ट्रेन में, बाय ट्रेन से, और फ्लाइट से गाइस मतलब 1 दिन दिल्ली के लिए लगता है, दिल्ली से आगे जो है 2-3 घंटे लगते हैं तो पहुँच जाते हैं। तो गाइस अभी ना स्टीम भी नहीं निकल रही है, और आज बनाइए गाइस कोलत की दाल ना, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ चाय पी हुई है, और वेट लॉस के चक्कर में ना भूख बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है गाइस, पेटू कम करना है ना मुझे, अभी तो मैंने बहुत कम कर दिया है, लेकिन मुझे फिर भी नहीं बोलते कि यार तू कम हो गई है, ऐसे ही बोलते हैं, गब्बू गब्बू बोलते हैं, गब्बर सिंह बोलते हैं, ऐसे ढीले ढीले कपड़े पहनते हैं, तो मैं गब्बू ही लगूंगी। ये देखो गाइस आप ही बोलो, मतलब हो गई हूँ ना मैं कम, देखो इतना फिट फिट सिलूंगी तो फिर हो जाऊंगी कम। तो ये रेडीमेड था ना गाइस, तो ये जो है सिला हुआ नहीं है पूरा, ये उतने ही साइज का लिया हुआ था मैंने, तो इसमें सिलाई वगैरह कुछ नहीं लगाई है, तो इसमें मोटू ही दिखूंगी मैं। तो गाइस फिर थोड़ी देर के बाद जो है हम खाना खाएंगे, तो फिर इनको जाने देते हैं, अभी क्या पता ये खाएंगे नहीं खाएंगे, या फिर रेस्टोरेंट वगैरह में जो है वो नाश्ता वास्ता करेंगे, क्योंकि होता है ना गाइस हमारा भी वैसे हुआ था जब नई नई शादी हुई थी, तो वैसे ही होता है, लेकिन अभी मैं तो खुद सोचती हूँ कि हमारा टाइम चला गया, बोलते हैं ना जमाना निकल गया, तो वैसे ही होता है गाइस, हर किसी के साथ होता है, नई नई शादी होती है तो ऐसा लगता है कि यार कहाँ घूमने के लिए जाएँ, कहाँ घूमने के लिए जाएँ, लेकिन क्या होता है गाइस कि जो फौजी की वाइफ होती है वो, और जो मतलब जिसके हस्बैंड जो है फॉरेन कंट्री या फिर दूर रहते हैं ना, वो फीलिंग समझ सकते हैं एक दूसरे की एकदम बराबर बराबर, तो वो बहुत दिनों का इंतजार होता है जब आते हैं फौजी साहब, और ऐसा लगता है कब जैसे हम घूमने के लिए निकले कब जैसे, तो ऐसा सही में होता है गाइस, मेरे साथ होता है, खुद मैं खुद भी फील कर सकती हूँ भाभी की फीलिंग, तो अच्छा लगता है घूमने के लिए, जाओ आप घूमो अभी आपका टाइम है, फिर हमारी तरह बच्चे बीवी वगैरह हो जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है गाइस, फिर नहीं फिर कहाँ घूमने के लिए जाना बच्चों का, फिर बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो फिर ऐसे ही होता है गाइस है ना, जमाना निकल जाता है। तो मैं कभी कभी पता क्या सोचते गाइस कि मतलब क्या होता है कि जैसे मैं मायके में आती हूँ ना, अभी तो मतलब ठीक हूँ, यंग हूँ, और बीबी भी छोटा है, तो हम आते रहते हैं आते, जब गाइस मैं बहुत ज़्यादा बुढ़ी हो जाऊँगी ना, तब सोचती हूँ कि यार पता नहीं हिमाचल आ भी पाऊँगी या फिर नहीं आ पाऊँगी, जब मेरा मतलब बॉडी हाथ पाँव चले रहेंगे तब तक तो मैं पहुँच जाऊँगी, जब बुढ़ी हो जाऊँगी तब किसने देखा है ना। तो वैसे बोल रही थी कि अंशु इतनी छोटी सी है और अंशु की शादी की बातें छेड़ देते हैं, अभी जो बड़े हैं दादी नानी वो सब, तो वो पता क्या बोलते हैं कि हाँ अंशु की शादी हम हिमाचल में ही करवाएंगे, मैं इनका इतने दूर कौन आएगा, फिर मुझे बोलते तू नहीं गई इतने दूर। लेकिन गाइस जो किस्मत में होता वही हो गए है ना, ये ठंडा ही नहीं हो रहा, निकाल देती हूँ मैं स्टीम तो ना, पर फिर नाना जी भी खाएंगे, इसको रख देते हैं हमें, पानी फेरते हैं उसके ऊपर गाइस, गाइस पानी फेरने से ना फटक से ठीक हो जाता है कुकर, गाइस
एक बात और याद आ गई मुझे, ये आपके घर में भी होता होगी, ऑल इंडिया के घर में होता है गाइस, फॉरेन कंट्री में होता है ये। तो गाइस इसको क्या बोलते हो आप, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से ना पूछना था कि इसको मतलब क्या बोलते हो अपने अपने लैंग्वेज में। गाइस अगर आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे ना, ये वाला ब्लॉग देख रहे होंगे, तो प्लीज़ ना इतना सामान रखने के लिए मुझे इसका नाम बता देना। हम इसको पहाड़ी भाषा बोलते हैं तंतु, ठीक है, तंतु बोलते हैं गाइज, लेकिन और मराठी भाषा में पलटा बोलते हैं, पलटा ऐसा कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन गाइज आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको ध्यान से देख लो, चावल को होता है ये, तो मुझे प्लीज़ बता देना आप। निकल गए स्टीम गाइज, देखो मैंने पानी फेरा ना कुकर के ऊपर, निकल गए। तो गाइज देखो यम्मी गरम भाप पापा थी वीडियो गाइस, हो गए चावल और वो खा रहे पापा। गुड मॉर्निंग गाइस, हाय। पानी ठंडा मिक्स लेना की तो साफ पता नहीं है लगी। हाँ अलमारी खुली आंदी तो तेल पाए मेरे सर पे, तेल नहीं पाया दिद्दू के अंदर में आई यहां का क्लच और सारे बाल है बाद में नहीं नहीं हां थोड़ लाए ना। हां सही हां भी निकाल के कर दी नहीं कटे नहीं शाम निकल रखनी इसको खा लेते हैं। हां क्या आई मैं दफनाई है चुप बाबू क्या हां कर लेंगे भाई ना बस सफाई आ जी आगे ना बात नहीं करना आगे पीछे आई थी डबल दे दिया पीछे लगा ये बस देख ले थैंक यू वे पीछे की छाल आई थी ठीक है अच्छा साइड आ रहा है मेरा लाइसेंस तो कुछ ले रहे हैं वो तो उगला क्या है ओए से मेरी गुड्डी लाइनिंग बोल लाइ तो नहीं त्यार लग रही होना कहना मिंदे नहीं कल भी सारे होया नहीं है बता आज से बिचारी गाही लग रही थी बार बोल कल त्यार लग रही होना। गाइस देखो दोनों जोने जा रहे हैं मुझे और मेरी बेटी को इधर घर में लबाड़ों की तरह छोड़ के ये देखो गाइस ये मेरा भाई ये देखो गाइस ये ना बहुत ज्यादा शर्मिला है बस। और इसके लिए कमेंट करना जरूर प्यारा प्यार भरा सा आप बोलते रहते ना आपका भाई इसमें नहीं आता ब्लॉग में गाइस बहुत ज्यादा डांटता है मुझे कि क्या बनाती रहती है मैं तो दिन त्रियाई के बाद पाई हूं
हर सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड जल्दी कर। वाह गाइस देखो गूगल वीगल सब निकल गए। गोरी गोरी मुखड़ी पे काला काला चश्मा। गाइस कैसा लग रहा है चश्मा, ये वाला अच्छा लग रहा है या फिर दूसरा बता। छोटा वाला है ना आपके पास सर? गाइस एक ही नहीं यार, मैं जान पे दुकान है और सब वो बड़े छोटे वाले एक ही है। दिया गाइस चश्मा तो दोनों अच्छे लग रहे हैं ना गाइस। मैं पढ़ा था कि आपने कटाना था। हो गए तैयार गाइस देखो हमारे बाबू का क्यूट क्यूट मेकअप शेकअप। और गाइस देखो मैंने पीछे ना चोटी भी बनाई, चोटी पीछे 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 ऐसे दिख नहीं रही ऐसे। ओए लाड़ी किसी हो, चलो मत मुझे नहीं लगा लगा। बड़ी अच्छी सुगंध है भाई। किस पर खाएंगा? छोटा दिल, हां छोटा दिल है ना, कदे ही आऊंगा मैं। सितरो के लिए प्रे है तो मोबाइल कहां है मेरा? हां भी आप इधर है, जूते निकालेंगे मेरे जराबे जराबे। कल धोतरी हो रही बाहर ब्लैक वाली। मम्मा तू क्या चबा रही है? रबड़ वाह, अब मेरा क्यों रख रहा सजाएगा नहीं। मम्मी मेरा भूख रहा है बेटा, आज सब जाऊंगी। चल ता आसे कुछ नेड़े ऐसा कोई नहीं दे रहा, नहीं दे वो भाई फौजी साहब नहीं लेके जाते, नहीं जाता नहीं दे नहीं कभी कमाई नहीं। ओ आज अब जा चला से कर रही है। ए दो दो बार ये ना बच्चा, बड़ी प्यास लग जाती है गाइस आजकल, बहुत ज्यादा गर्मी गर्मी हो गई। मैं अच्छा हो गया छोटे का नहीं बनाया नहीं ठीक था ये एड़ी किया अच्छी है अच्छी है। ओए पंख, मामा पंख क्यों बंद किया अभी? अट प्यारी सो हाँ गाइस हमें फैन स्टार्ट किया, फैन बंद कर दिया तो प्राण निकल जाते हैं। अंशु आप ही बना रहे सर, आप ही बना रहे सर, आप बहन कजो इतने बनाने से मुझे कब लेके जा रही है? आज ही जाना हमने। कहाँ जाना? अंशु को देख, मैं अंशु को लग रहा है। शरारती मामू की चुटरी, मामू की चुटरी। मत
ले वाह पानी लंच बॉक्स चश्मा लगा के चले बाबूजी बाबूजी ड्यूटी चले बाय कर नाना को नाना ड्यूटी चले रूठ गई अंशु चला गया मामू चले गए घूमने वो तो चले गए और अभी हम खाएंगे खाना क्योंकि हमें लग पड़ी है बहुत जोर की भूख। तो नानी आ गए हैं और मम्मी भी आ गए हैं तो नाना भी आएंगे और अंशु पापा चले गए खाना खा के ड्यूटी तो उनको सुबह ही जाना पड़ता है। तो फिर अभी मेरी बारी आ गई गाइस अभी चावल लगाने पप्पू को खिलाया गरम गरम अच्छा लगता है। अंशु को भी बोलो मम्मा हमारा दिन के बना है अंदर देखिए देना बुलाया लेना हां देखो नहीं 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 देखो खाई ना बात ही कोई नहीं गाइस खा लीजिए मेरे साथ साथ में खाना गुड्डू एक ही कितना आप तो फैशन इस आप सॉक होंगे हाँ सभी बाल पे इधर आ था बाबा खाना को पकड़ांगे सूख ले मम्मा एक छोटा प्लेट को देंगे माथे बैगना अपना ले मम्मा चावल उधर बनाना के पास पकड़ो एक एक है फैशन मम्मा नाना के पास बैठ जा बैठ जा हाँ पाए तो पाए बाबा गर्मी लग रही है बात कर
पानी उंगा पानी ता उंगा ता खा दे मोन से क्या बच्चा मन लगा दी थी आज तेरे भी हुई है वो चियाना है ना ता क्या बोले सोचा चले गए अभी तक गए नहीं हो अशु तू कहाँ पीछे पीछे जा रही मम्मा दे इतने मैं अंशु तो फैशन की तरह देखो वाला गुड्डू ऐसा क्या फैशन है मम्मा नहीं चलना बोले ओ वो बंद थे आयुष्मान बाबा लाजी वाजी हो गुड न्यूज दे आओ ए फर्क ले फस है ना इतना हो तनंद दंगर बैठे आओ पहले पास चादरू आगे हो पास चल गए रखे ला ले ला ले थी क्या पेशकश क्या पता कुछ है उन एमा बापू पेश कम कुछ कर रहा है छुरी ले छुरी ले इन मम्मी वाह क्या स्टाइल है ओ ये ठीक है छुरी ले इन मम्मा बोले ਨੇ ਖਾਣਾ ਮੰਮਾ ਬਤਾ ਖਾਣਾ ਚਾ ਆਂਸੂ ਕੀ ਲਾ ਆਂਸੂ ਜੋ ਕਰ ਦੇ ਓਏ ਬਾਈ ਬਾਈ ਕਰ ਕੋ ਤੇਰੇ ਬਾਤੋ ਕਰ ਮਾਮੂ ਆਂਸੂ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸੇ ਆਏ ਮਾਮੂ ਨੀਤੀ ਨੀ ਬਾਈ ਕੋ ਆਂਸੂ ਤਾਤਾ ਆਈ ਕੰ ਜੁਟਾਈ ਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੂ ਜੋ ਸਹੀ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਜਾਂ ਜਾਇਆ ਫਰਗੜ ਫੁਰਗੜੂ ਡੰਗਰ ਪੈਨ ਨਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਬਾਈ ਕੋ ਚਾਦਰੂ ਬਾਬੂ ਆ ਗਿਓ ਗੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਗਿਓ ਬਚ ਬਾਬੂ ਪਲਾ ਜੋ ਉਪਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਗਿਓ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਆ ਰਾ ਏ ਪੱਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਟਾਇਰਾ ਬਾਬੂ ਟਾਇਰਾ ਹੋਇਆ ਪੱਲਾ ਪਰ ਬਸ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟਾਟਾ बाय बाय गाइस चले गए घूमने के लिए हैप्पी जर्नी बाय बाय ही